हर हर महादेव। यदि आप पटना से धनबाद की ओर जा रहे हैं या फिर बंगाल की ओर जा रहे हैं तो इस बीच में एक जगह है लखीसराय स्टेशन। लखीसराय स्टेशन से 2 किलोमीटर पे स्थित है बाबा अशोक धाम। ये ऐसा नगरी है कि आपकी हर मनोकामनाएं बहुत जल्द ही पूर्ण होंगी। लोग यहाँ अपने वैवाहिक कार्यक्रम और मुंडन कार्यक्रम जैसे अनेकों प्रकार के कार्यक्रम इस कैंपस में करते हैं। तो आइए आपको अंदर ले चलते हैं कि अंदर की क्या दृश्य हैं और कैसे बाबा को आप जल अर्पण करते हैं या फिर आप अपने मुंडन संस्कार करते हैं। तो अनेकों तरह की जानकारियां एवं बाबा से दर्शन मैं आपको करवाऊंगा। आप मेरे साथ लगातार बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके मुझे कोऑपरेट कीजिए। मैं आपसे और कुछ नहीं उम्मीद करता हूँ। आप सिर्फ पूरी वीडियो को देख के समझ सकते हैं कि बाबा के नगरी में कैसे जगह हैं और किस तरह से। देखिए इस लड़के तो को आप देख सकते हैं, बिल्कुल अभी फ्री है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि भीड़ भाड़ और जो है सो किसी प्रकार की परेशानी का सामना आपको करना पड़े। ये है घंटा और घंटा को बजाते हुए अंदर तो मैं अभी प्रवेश नहीं करूँगा, लेकिन कुछ आपको नज़दीक तक दिखाने के बाद आपको मैं बाद में जो है सो इसके अंदर प्रवेश करूँगा, क्योंकि मैं अभी पैर धो के नहीं आया हूँ। वैसे आप जब ऊपर चढ़ेंगे तो नीचे लगा हुआ है आपको पैर धोने के लिए, लेकिन किसी कारण बस अभी बंद होगा जिसके वजह से जो है सो अभी पानी नहीं चल रहा था। तो ये बाबा की नगरी है, मैं थोड़ा जूम करने का प्रयास करूँगा। जूम यदि होता है तो मैं जूम करके आपको बताऊँगा कि बाबा की नगरी में कौन कौन कैसे लोग अपना जो है सो मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें वेटिंग के लिए जो है सो कपल भी आए हुए हैं। तो चलिए हम नीचे उतरते हैं, नीचे उतर के आपको दिखाना का प्रयास करेंगे चारों तरफ कि बाबा का कितना बड़ा कैंपस है। बहुत बड़ा कैंपस है, इसमें मुख्य दो द्वारे हैं, एक सामने से और एक आपको पश्चिम की ओर से। तो यहाँ पश्चिम और उत्तर का दिशा जो है थोड़ा कन्फ्यूजन मुझे लगा, इसलिए मैं थोड़ा पश्चिम बोल दिया हूँ। ये आप यहाँ आएंगे तो अपने नज़रिए से देख और समझ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विधि व्यवस्था बहुत ही अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा आप जानते हैं कि आप जहाँ कहीं भी जाएंगे तो बाबा के नगरी में आपको एक परेशानी का सामना करना ही पड़ेगा कि पंडा आपको परेशान करेगा। पंडा हर चीज़ के लिए आपको अलग अलग दक्षिणा, अलग अलग सिर्फ रुपये का ही चर्चा करेगा, जो मैं इसका घोर विरोधी हूँ। सिर्फ हिंदू धर्म को छोड़कर अधर्म जाते हैं तो आप देख पाएंगे कि वहाँ पे इस तरह से कोई भी जो है सो परेशान नहीं करेगा पैसों के लिए, लेकिन यहाँ आपको जितना देंगे उसे उतना कम लगेगा, और कम लगने की वजह से जो है सो उसके साथ आपको हो सकता है तो थोड़ा सा दुर्व्यवहार का भी सामना करना पड़े। तो खैर कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे अगर आप कोई संस्कार करते हैं जैसे मुंडन हो गया या फिर वैवाहिक कार्यक्रम हो गया या जनेऊ हो गया, तो इसके लिए आपको वहाँ पे एक चालान कटता है जो इस संस्था के माध्यम से मंदिर का कैंपस, मंदिर की व्यवस्था की बढ़ोतरी हो इसके लिए। लेकिन खैर ये अच्छी बात है, लेकिन यहाँ के जो पंडा का व्यवहार आप देखेंगे तो फिर आपको गुस्सा आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ मैं आपको बसहा बाबा का दिखाता हूँ कि ये है लोटा। लोटा देख रहे हैं ना, लोटा में अगर आप कुछ फुसफुसाते हैं तो बाबा के कान में जो है ना डायरेक्ट बातें जाएंगी। और बसहा जो है, बसहा का फेस्ट जस्ट सामने बाबा के सामने है, और ये जो लोटा है लोटा का एकदम बनाया हुआ बसहा के कान पर। तो आप समझ ही रहे हैं हिंदू धर्म में बहुत सारे ऐसे हैं जो लोग अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार, धर्मों के अनुसार, प्रथा के अनुसार लोग अपने अपने तरीके से कार्यक्रम करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ बोलना हो तो आप बोल सकते हैं, और कहा जाता है कि जल्द से जल्द मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं यहाँ पे बोलने के बाद। तो आप आएँ और आप बोलें, किसी के लिए बोलें, अपनों के लिए बोलें, लेकिन बोलें। और आप आजमा भी सकते हैं कि ये सही होता है या गलत होता है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ कि सामने जो कैंपस है आपके लिए जो स्टेज बनाए गए हैं वो उस स्टेज के पास ले चलता हूँ कि किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो है यहाँ से लोग भाग लेते हैं, तो भाग लेने के लिए यहीं पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। और बरसात अगर होने की संभावना होती है या फिर धूप तेज होते हैं तो लोग इसके अंदर भी आराम करते हैं। वैसे यहाँ पे वृक्षों की संख्या ज़्यादा है तो ज़्यादा आपको यहाँ परेशानी नहीं होना पड़ेगा, और यहाँ के लोग भी बहुत ही व्यवहारपूर्ण हैं। कहीं आप बाहर जाएंगे तो देखते होंगे कि किसी होटल के सामने या फिर होटल पे बैठ के आपको रुकने नहीं देता, लेकिन यहाँ पे ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है। यहाँ पे आपको अच्छे से स्वागत करेगा
और स्वागत के साथ साथ आपके साथ किसी प्रकार की दुर्व्यवहार नहीं करेगा यहाँ के पंडे के सिवा। यहाँ पे आप पंडा हो या ठाकुर से अगर मुंडन करवा रहे हैं तो मुंडन हो ठाकुर हो सभी कुछ इस तरह से करेंगे जैसे लगता है कि सारी पेमेंट इन्हीं को देते हैं आप। तो खैर अपनी अपनी इच्छा है, श्रद्धा है तो लोग देते भी हैं, लेकिन आप जितना देंगे उतना उससे कम ही लगता है। तो ये मेन बाबा का मंदिर है, आप देख रहे हैं थोड़ा सा कैमरा मेरा हिल रहा है। तो ये बाबा का मेन है, एक सामने से और एक मतलब इन मंदिर में तीन रास्ते हैं, ठीक है। तो इसमें भीड़ ज़्यादा नहीं लगता है, कभी भीड़ लगता ही नहीं है। लेकिन बाबा बैद्यनाथ से कहा जाए तो यहाँ पे बहुत ही बेहतर जगह है, और मुझे लगता है कि बाबा बैद्यनाथ जितना वहाँ पे भीड़ लगता है प्रतिदिन यहाँ भी उतना ही भीड़ रहता है। और सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ सावन के माह में देखने को मिलता है कि लोग कांवर लेके आते हैं। सिमरिया धाम है, उत्तरवाहिनी गंगा है, वहीं से लोग गंगा जल भर के आते हैं और यहाँ बाबा को चढ़ाते हैं। और वहीं आप अगर बैद्यनाथ धाम का गंगा जल चढ़ाते हैं तो बैद्यनाथ धाम के लिए आपका गंगा जल जो है सो भागलपुर में अवस्थित है। उस जगह का नाम आप कमेंट करके मुझे बताइए कि वहाँ बैद्यनाथ धाम के लिए आप कहाँ से जल उठाते हैं या उठाया जाता है। लेकिन यहाँ अगर जल ढारना हो तो सिमरिया धाम से उत्तरवाहिनी गंगा जी से आप उठा सकते हैं। तो आप मैं जहाँ से भी फुटेज बना रहा हूँ ये एक पार्किंग एरिया है, यहाँ पर आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और अगर आप बाइक से आएँ तो बाहर भी अभी तो पूरा फ्री है, कहीं भी पार्क कर सकते हैं। और ये बाबा के चारों तरफ इर्द गिर्द खेत है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप कहीं और जाते हैं तो पाते हैं कि पूरा जैसे कि कालका मंदिर आप दिल्ली गए थे, दिल्ली का वीडियो आप देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो जस्ट जाइए और देखिए कि चारों तरफ से मकान जो है ना संकीर्ण कर दिया, रास्ता छोटा कर दिया, लगता ही नहीं कि यहाँ पे मंदिर होगा। लेकिन वही लोटस टेम्पल में बहुत बड़ा कैंपस बनाया हुआ जगह है। तो खैर इसी वजह से जो है सो थोड़ा सा आस्था जो है ना लोगों को गुस्सा उठता है। खैर गुस्सा उठाने की बात नहीं है, आप बाबा से दर्शन कीजिए और अब चलते हैं आगे की दिशा। यानी हम बाबा के दर्शन करके निकल चुके हैं और निकल चुके हैं तो खैर आप भी आइए बाबा से दर्शन कीजिए। हर हर महादेव।